राज्य में जो कोरोना का प्रभाव है वह बहुत अब सीमित हो गया है। देश के अंदर रिकवरी रेट की बात करें तो 97.13% बिहार का रिकवरी रेट है, जो देश में सर्वाधिक है। बिहार जांच में पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से अपना पैर पसारते जा रहा है। अगर दिल्ली की भी बात कर ली जाए तो दिल्ली में भी जो संक्रमण के मामले हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। इसको लेकर जब हमने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की कि बिहार में भी जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश में के अलग राज्यों की बात कर ली जाए तो उसके संदर्भ में बिहार में जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो काफ़ी कम हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो रिकवरी रेट है हमारा वो 97.1% है यहाँ पे, और वही जो मृत्यु दर है वो 0.5% है अन्य राज्यों से। और उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। नहीं, पूरे देश की बात यदि करें तो बिहार में जो कोरोना की स्थिति है वो पूरे देश में सबसे बेहतर माना जा सकता है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। आज यदि हम देश के अंदर रिकवरी रेट की बात करें तो 97.13% बिहार का रिकवरी रेट है, जो देश में सर्वाधिक है। हम यदि मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मृत्यु दर की बात करें, तो बिहार का मृत्यु दर लगभग 0.5% के आसपास है, जो देश के सभी बड़े प्रदेशों में कम है। हम यदि जांच की बात करें तो बिहार जांच में पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। हम प्रति 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में यदि जांच की बात करें तो भी हम राष्ट्रीय औसत से करीब 12,000 आगे हैं। हर प्रकार से देखें तो परिणाम अंत में निकल के आता है कि आज हमारे पास जो एक्टिव केस है, मतलब जो आज की तारीख में कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उनकी संख्या 5,550 के आसपास है। तो यह संख्या भी बताती है कि राज्य में जो कोरोना का प्रभाव है वह बहुत अब सीमित हो गया है, नियंत्रित हो गया है। और ये आंकड़े ही इस बात के गवाह हैं कि बिहार आज एक मॉडल बन गया है कि किस प्रकार से कोरोना को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो तो लगातार बढ़ रहे हैं ना। दिल्ली से बिहार अलग है ना। दिल्ली में अब क्या हो रहा है तो दिल्ली के लोग बताएंगे क्यों नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं या क्या कठिनाई परेशानी वहां आई है, लेकिन बिहार की जो तस्वीर है वो तो आप लोग के सामने। बिहार में मतलब मरीजों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब देखेंगे पिछले लगभग 15 से 20 दिनों के मामले को तो जो एक्टिव केस है वो 5,000 से 6,000 के बीच में ही रह रहा है। और दिल्ली हो या कुछ और जगहों की बात करें तो एक दिन में केवल इससे अधिक पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। तो अब दूसरे जगहों पे कैसे स्थिति को नियंत्रित किया जाए, इसके लिए वहाँ की राज्य सरकारें प्रयास कर रही होंगी। तो आपने सुना, साफ तौर पे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे या दावा कर रहे हैं कि बिहार में जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो उसमें इजाफा नहीं हो रहा है, और जो जांच की भी दर है उसमें बिहार देश के दूसरे नंबर स्थान पर आता है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे या दावा कर रहे हैं कि बिहार में जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं उसमें इजाफा नहीं हो रहा है, पर जो लगातार अगर राजधानी भी पटना की बात कर लिया जाए तो राजधानी पटना में भी जो आंकड़े हैं वो प्रतिदिन 200 से 300 आंकड़े मिल रहे हैं। ऐसे में जो मंगल पांडे या दावा कर रहे हैं वो उनका दावा कितना सच साबित होता है, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद। राज्य में जो कोरोना का प्रभाव है वह बहुत अब सीमित हो गया है। देश के अंदर रिकवरी रेट की बात करें तो 97.13% बिहार का रिकवरी रेट है, जो देश में सर्वाधिक है। बिहार जांच में पूरे देश में दूसरे नंबर पे है।